हेलो दोस्तों, कुमो मंजल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है, देखें यहाँ पे बाबू मेरा ये साइड साइड से इसलिए कोड़ रहा है। आप लोग सोच रहे हैं क्यों कोड़ रहा है, लेकिन ये यहाँ पे हम लोग कुछ लगाएंगे, क्या लगाएंगे वो आप लोगों को आगे ब्लॉग में पता चलेगा। और यहाँ पर बाबू देखिए कोड़ रहा है, कोचिंग से आने के बाद से ये कोड़ रहा है। थोड़ा सा टाइम था तो अभी खाना बन रहा था तो यहाँ पर लगा कोड़ने के लिए। और बाबू देखा, देखिए मेरे आगे पीछे कैसे हुआ है। तो उसे कितना भी हम लोग डांट रहे थे लेकिन नहीं मान रहा था वो, और आगे पीछे हुआ था। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग के यहाँ कैसे खेती होता है या क्या लगता है, मुझे तो नहीं पता है। लेकिन इसे जो भी समझिए, मैं खाली बैठी हुई थी, सुबह सुबह का टाइम था तो मैं सोची थोड़ा बहुत काम कर ले रही हूँ। तो ये काम नहीं है, मैं बस बैठ करके ऐसे ही बाबू के साथ यहाँ पर जो बड़ा बड़ा मिट्टी था उसी में मैं ही कर रही थी, क्योंकि ताकि इसमें जो कुछ भी हम लोग लगाएँ उसे दिक्कत ना हो। और यहाँ पे बाबू लकड़ी लेकर के खेल रहा था। तो यहाँ पे मैं, आप लोग बोल रहे हैं, सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो काम धाम करती नहीं है खेत में का, और यहाँ पे करी, ये खेत नहीं है, हमारा द्वार है जो साइड में ऐसे बाबू कोड़ दिया था। उसके बाद से फिर हमारे सिस्टर खाना बना दी थी, दाल चावल और आलू बैंगन का सब्ज़ी और टमाटर का चटनी, बहुत ही टेस्टी बना हुआ था चटनी। और आलू बैंगन का सब्ज़ी है, दाल है, चावल है, जो हम लोग काम करने के बाद से फिर हम लोग खाएँ। उसके बाद से मैं यहाँ पे लगी तैयार होने वीडियो बनाने के लिए। यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, वॉइस ओवर इसलिए मुझे करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे बाहर का आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा था। और यहाँ पे मैं कुछ कुछ बोल रही थी, यही मैं बोल रही थी कि यह है मम्मी का साड़ी, और यहाँ पर मेकअप मेरी सिस्टर की है, और बाल कट भी डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से सिस्टर मेरी बनाई है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी था, मम्मी का चूड़ी पहनी हुई थी मैं जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है। यहाँ पे मैं बोल रही थी लेकिन यहाँ पे रोड का आवाज़ सुनने से या गाड़ी की आवाज़ की वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। बहुत ही कम्फर्टेबल ये साड़ी है, बहुत ही सुंदर है, बहुत हल्का है। तो फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कभी या पहनूँगी तो मैं आप लोगों को दिखा दूँगी। और यहाँ पर शाम के समय हम लोग बना रहे हैं, उतना शाम नहीं हुआ है, देखिए आप लोगों को पता ही चलता होगा, उतना शाम देखिए नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी शाम तो ये होने भी वाला मेरी ही मम्मी था। का ही साड़ी है, काजू वाला, आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ पे काजू बना हुआ है। और ये तीसरी नंबर वाली सिस्टर मेरी पहनी हुई है यहाँ पे साड़ी, हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे, इधर साइड में हो जाओ, हाँ देखिए यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे थे, और ये सूट पे ही पहनी है यहाँ देखिए। मैं इसका मुँह नहीं दिखा सकती हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी सपोर्ट करिए तो मैं सबको अपने कैमरे में लेकर के आऊँगी। थोड़ा आगे है ना, बहुत सुंदर ये साड़ी लग रहा है, क्रीम कलर का इसका कलर है, और हरा, थोड़ा थोड़ा हरा है और हल्का हल्का इसमें पीला कलर है। बहुत सुंदर साड़ी है, ये मम्मी का है, हम लोग मम्मी का साड़ी पहन करके बहुत सारा वीडियो बनाए हैं। तो आप लोग सुबह में देखे ही हैं यहाँ पे क्या लगने वाला है, जो हम लोग ऐसे कर दिए हैं, ये देखिए चारों तरफ का। तो हम लोग क्या इसमें बोएंगे, क्या करेंगे, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगी। कितना सुंदर लग रही हूँ खुद का तारीफ मैं खुद अपने मुंह से कर रही हूँ, क्योंकि देखिए वहाँ पे गुस्सा होकर के बैठा हुआ है, कोई है ही नहीं, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं और कोई तारीफ तो करेगा ही नहीं, तो इसलिए मैं खुद का तारीफ खुद कर रही हूँ। और ये मेरी सिस्टर मेकअप की है, बताइएगा आप लोग कैसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये आई पलक भी मैं लगाई हूँ, और ये मम्मी का साड़ी है, मैं आप लोगों को बताई हूँ, मैं नवरात्र में वीडियो नहीं बनाई हूँ तो आप लोग प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा, मेरा तबीयत नहीं सही था इसलिए मैं नवरात्र में वीडियो नहीं बना पाई, तो मैं आज वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। अभी बहुत सारा साड़ी का वीडियो बनाना है तो आप लोग बने रहिएगा, तब तो आप लोग को देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।